हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू का ऐलान, बोले 2.37 लाख महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देंगे। किसानों से दूध खरीद का रेट 6 रुपए बढ़ाया। कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूध गोबर लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। वीआईपी नंबरों के हिमाचली भी दीवाने, 23.50 लाख में बिके 0001 सीरीज के नंबर। आईजीएमसी शिमला के 160 डॉक्टर एक साथ छुट्टी जा रहे, मरीजों को होगी परेशानी। हमीरपुर में पिता की चतुर्थ वर्षी पर छुट्टी आए सेना के जवान की मौत। हिमाचल के युवक हरियाणा में हादसे का शिकार, 2 की गई जान, 3 गंभीर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 1 साल का जश्न मनाया। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि नए साल से पूरे लाहौल स्पीति जिला में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना चरणबद्ध ढंग से सभी जिलों में लागू होगी। 2.37 लाख महिलाओं को, जिन्हें अभी 1100 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, उन्हें अगले साल से 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह से ही किसानों में 2 रुपए के हिसाब से गोबर की खरीद शुरू की जाएगी। मिल्कफेड अभी किसानों से 31 रुपए में दूध खरीद रहा है। जनवरी से यह दूध 37 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। सीएम ने प्रति लीटर 6 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया। हिमाचल सरकार के 1 साल के जश्न के विरोध में बीजेपी ने सोमवार को आक्रोश दिवस मनाया। बीजेपी ने प्रदेश के 10 जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सुक्खू सरकार और उनके मंत्रियों पर तीखे हमले किए। शिमला के मॉल रोड पर रामपुर की महिलाओं ने बाल्टी और पैकेट में गोबर लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस ने किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध और 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी दे रखी थी। यह गारंटी अभी पूरी नहीं की गई। इसके विरोध में महिलाओं ने बाल्टी और गोबर के साथ प्रदर्शन किया। गाड़ी के वीआईपी नंबरों के हिमाचली भी दीवाने हैं। 0001 सीरीज के 3 नंबरों की ई ऑक्शन में ही सरकार ने 23.50 लाख की कमाई कर ली। शिमला और मंडी आरएलए के लिए जारी किए गए नंबर 8.8 लाख में बिके, जबकि धर्मशाला आरएलए का नंबर 7.50 लाख में बिका। परिवहन विभाग ने इस साल मई माह से वीआईपी नंबरों की ई ऑक्शन शुरू की है। 8 महीनों में विभाग अब तक वीआईपी नंबरों की ई ऑक्शन से 9.50 करोड़ की कमाई कर चुका है। शिमला आरएलए के लिए जारी किया गया नंबर HP63F0001 विजय कुमार पुत्र कस्तूरीलाल ने 8 लाख की बोली लगाकर हासिल किया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला के 160 डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर जा रहे हैं। इससे आईजीएमसी शिमला के लिए रोजाना उपचार को आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आईजीएमसी के वरिष्ठ एमएस डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि डॉक्टर 2 बैच में छुट्टी पर जाएंगे। पहला बैच 22 दिसंबर से छुट्टी जा रहा है, जबकि दूसरा बैच 31 जनवरी से छुट्टी करेगा। पहले बैच में 23 विभागों के 160 डॉक्टर 38 दिन तक छुट्टी पर रहेंगे। अस्पताल में शेष 50% डॉक्टर ही ड्यूटी देंगे। हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत सोहारी के गांव दुखियार में सोमवार को अपने पिता की चतुर्थ वर्षी यानी चवर्ख पर छुट्टी आए पैरामिलिट्री के जवान संजीव कुमार पुत्र अमरनाथ की अचानक मौत हो गई। संजीव कुमार नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। संजीव कुमार की अचानक मौत से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। संजीव कुमार अपने पिता की चतुर्वर्षी पर अपने घर छुट्टी पर आया था। बड़सर प्रशासन और बड़सर पुलिस तथा हमीरपुर पुलिस की एक टुकड़ी सूचना मिलते ही सोहारी पहुंची और पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान के अंतिम संस्कार में भाग लिया। हरियाणा के पानीपत में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में हिमाचल के 2 युवकों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ।
रविवार रात लघु सचिवालय के सामने एलिवेटेड हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से कार सवार 5 युवकों को कार से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 2 की हालत फिलहाल स्थिर है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।